जगदीश टाइटलर के विरोध में जालंधर की सड़कों पर उतरी सामाजिक संस्था दसवंत फाउंडेशन। जगदीश टाइटलर के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, टाइटलर पर सजाए मौत का फैसला सुनाया और टाइटलर के पुतले को फांसी पर झुलाया। लोगों ने प्रदर्शन कर टाइटलर को जल्द सजा सुनाने की मांग की। आज असी दस फाउंडेशन जालंधर वालों ये सज्जन टाइटल का, जो सज्जन कुमार जगदीश टाइटल का पुतला साड़िया गया, क्योंकि जो वीडियो अजकल मीडिया के आई है उसनों उदाहरण बना के असी भारत सरकार तो मांग करते हाँ कि जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करके सज्जन टाइटल वीडियो आधार बना के उन्होंने सख्त तो सख्त सजावा दी जाए। जिमें अज इस चौंक के सज्जन टाइटल को फांसी दी है, इस तरह जल्दी तो जल्दी फांसी दी जाए तो जो सरासी के लोगों को इंसाफ मिल सके। इन्हें असी दोबारा फिर मांग करते हैं भारत सरकार तो कि वीडियो आधार बना के उसकी गिरफ्तारी जल्दी तो जल्दी की जाए, जल्दी तो जल्दी उन्होंने केस के उत्ते सजा सुना के उन्होंने फांसी दी जाए तो जो ये दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। बलात्कारी राम रहीम के नजदीकी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह गोरा का बयान, कहा फिल्म की शूटिंग के बहाने सिरसा राम रहीम के डेरे में हथियारों की दी जाती थी ट्रेनिंग। देखिए, मैं ये मुद्दा आज से 6 महीने पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि उस टाइम जो इसके तार जो डेरे की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम मैंने पहली जो पीसी की थी प्रेस में मैंने दिया था भी वहाँ डेरे और CBI की इसकी जाँच होनी चाहिए भी ये बम ब्लास्ट मुझे ये लग रहा है भी डेरे वाले ने कराया था। तो आज जो बात सच निकली है तो ये जो बलात्कारी बाबा है और उसका जो संधी है हरविंदर सिंह जस्सी, दोनों ने मिलकर ये सारी साजिश रची थी। और मैं उस टाइम भी ये बात कह रहा था क्योंकि जस्सी का बच निकलना, जो जे जस्सी को कहते हैं भी टारगेट किया था, तो फिर जस्सी की गाड़ी निकलने के बाद क्यों बम ब्लास्ट किया गया, पहली बात तो ये है। और जब उसकी गाड़ी 200 मीटर निकल जाती है तो उस टाइम बम ब्लास्ट होता है। तो जस्सी की तो कुछ भी नहीं, जस्सी को तो हुआ उसमें, तो वो जो 7 लोग बेचारे, मैंने वहाँ 500 मीटर की दूरी पे सी जब जे बम ब्लास्ट हुआ उसके, मैं सारा आधा किलोमीटर की दूरी पे था उसी टाइम, तो बहुत बड़ा जो उसमें धमाका हुआ तो आवाज़ आई तो हमें लगा भी इतनी क्या चीज़ हुई, तो थोड़ी देर में पता चला भी वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ है। तो हम भी वहाँ पर भाग कर आए तो हमने देखा उस टाइम लाशें जल रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा था उसको वो जल रहा था, लोग जल रहे थे, 7 जाने गई कीमती। तो इतना उस टाइम दर्द हुआ दिल को भी, यार ये क्या हो गया, क्या ऐसी राजनीति है जिसमें हम ये इतनी बड़ी क्या चीज़ है, साजिश है इसमें। मोड मंडी धमाके मामले पर बोला राम रहीम का पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि राम रहीम आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं भी इनका RDX वगैरह भी इनके पास है और वहां उसको पूरा अभी रिकवरी नहीं की गई है, पूरी वहां की तफ्तीश नहीं की गई कि क्या बात है। ये सारा मास्टरमाइंड पूरा गुरमीत सिंह है, इसने बकायदा कार खरीद के, मारुति कार खरीद के, उसका इसके मास्टरमाइंड है काला और अपने अमरीक सिंह, अमरीक है ये फरार है, अमरीक और फुल, ये तीनों बंदे पकड़े जाएंगे तो इसका सारा राज खुल जाएगा। और कहाँ कैसे उसको कार को लिया और कैसे उसको पेंट किया, और VIP जो इसकी कार की वर्कशॉप है इसकी, जहाँ बाबे की गाड़ियाँ, सिर्फ बाबे की गाड़ियाँ वहाँ जाती थी, उसमें सारी गाड़ियाँ तैयार हुई है, ये वहाँ रंग पेंट वगैरह हुआ है वहाँ से सारा तैयार होके, बैटरी वगैरह भी सिरसा से खरीदी गई है, सारा वहाँ से मसला इकट्ठा करके और मोड़ मंडी में ये सारा कांड किया गया। और ये पूरा बाबा मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है, मरवाने में आप भी अमरीक बाहर है, कभी भी किसी के भी हमारे ऊपर भी कभी जो मर्जी है वो हमला भी करवा सकता है, मरवा भी सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदमाश हरियाणा छोड़ गए, बयान पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पलटवार। विज ने कहा हुड्डा राज में बदमाश सरकारी आदमी बनकर गुंडागर्दी करते थे जिससे उन्होंने सारे हरियाणा को लूटा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बदमाश सरकारी आदमी बनके, कांग्रेसी बनके, कांग्रेस का लिबादा ओढ़ के गुंडागर्दी करते थे जिससे उन्होंने सारे हरियाणा को लूटा। हमारे राज में तो बदमाशों की जरूरत नहीं है, हमारे राज में सरकार बदमाशों को पनपने नहीं दे रही है और पूरी तरह से उनको कुचला जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस द्वारा सांसद के हिसाब अभियान की शुरुआत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला से की जाएगी अभियान की शुरुआत, धूमल के घर हमीरपुर से ही सांसदों को घेरने की तैयारियां। एक नारा दिया है हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने, अभी हाल ही में प्रदेश
कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने भी भाग लिया। उसमें जो 4 साल का कार्यकाल है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद हैं और कांग्रेस का अभियान शुरू कर रही है कि हिसाब दे सांसद, जवाब दे सांसद। जो उनका 4 साल का कार्यकाल है, 4 साल के कार्यकाल में उन लोगों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उन्होंने कितना बजट लगाया और वो कितनी बार लोगों के बीच में गए, उसके ऊपर जो एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है हिसाब दे सांसद, जवाब दे सांसद, तो उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या क्या किया, उसका जो जवाब है और हिसाब है वो कांग्रेस जो है उसे मांगेगी। मोहाली स्थित प्रीत लैंड प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर लगे धोखाधड़ी करने के आरोप, कंपनी को अदायगी के बावजूद प्लॉट मालिकों को नहीं मिली संपत्ति। एक्चुअली हमारी ग्रेवेंसेस हैं प्रीत लैंड प्रोमोटर जो जिनके ट्रैक्टर हैं मिस्टर चरणजीत शैली, जिनके पहले 3 ट्रैक्टर थे यशपाल शर्मा और मिस्टर वालिया और मिस्टर नरेंद्र सिंह, जिनमें से 3 ट्रैक्टर बीच में पैसे इकट्ठे के बाद रेजिग्नेशन दे चुके हैं। 2006 में इनका गुमाडा के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि विद इन 3 ईयर्स हम सबको प्लॉट दे देंगे और 86 प्लॉट को इसको सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, मगर इन्होंने पैसे इकट्ठे सबसे कर लिए, इवन जबकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जबकि खड्डे खोदे हुए थे, हर जगह कहीं कुछ छता नहीं हुआ था, इन्होंने सबसे EDC चार्जेज IDC चार्जेज वो भी ले लिए, मगर किसी को प्लॉट दिया फर्जी, यानी कि उन्होंने प्लॉट नंबर दिए, इन्होंने एक नक्शा लगा रखा था जो कि नॉट ऑथोराइज था। जो 2010 में एक इन्होंने ड्रा निकाला जिनके नाम निकले थे उनको भी प्लाट नहीं दिए, बल्कि 2014 में कुछ लोगों को अपने पिक एंड चूज पॉलिसी रखे जो इनके खास थे उनको प्लाट दे दिए और उन लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जिन्होंने फुल पेमेंट दे रखी थी या ATC चार्जेस दे रखे थे या जो शुरू से 2006 में इनसे जुड़े थे। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोग जिनको प्लाट एलोकेट किए गए थे उनको बगैर पूछे इन्होंने मॉर्गेज कर दिए बैंक के पास। गजल गायक जगजीत सिंह की याद में लुधियाना के गुरु नानक भवन में गजल नाइट आयोजित, उनके गानों के जरिए जगजीत सिंह को किया गया याद और दी गई श्रद्धांजलि। ये हमारी एक सरगम सोसाइटी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर है जो कि चंडीगढ़ मोहाली में बेस्ड है, तो हम तरह अलग अलग जगह पे कंसर्ट करते रहते हैं काफ़ी, जैसे जगजीत सिंह जी का आज बर्थडे है तो इस 8 फरवरी के मौके पर इस बार हमने सोचा कि लुधियाना में एक फंक्शन किया जाए, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। अदरवाइज़ हम ये कंसल्ट करते रहते हैं, शिव बटालवी पे करते रहते हैं प्रोग्राम, जैसे स्पेशल सिंगर्स हैं जो सूफी म्यूज़िक पे कंसर्ट करते हैं, तो ये हमारा बेसिकली पर्पज़ यही है टू प्रमोट गज़ल गायकी, स्पेशली गज़ल गायकी और जो दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए। जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक पंजाब जोन लुधियाना, सरगम सोसाइटी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के इन्विटेशन पर इधर आज का ये जगजीत नाइट का प्रोग्राम इधर लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है, उसमें शामिल होने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे बाहर आकर के ये कुछ सुनने को मौका मिल रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर एक महिला का मोबाइल और टेबलेट चोरी, पीड़ित महिला ने कहा गुरु रामदास जी के नाम पर लोग इस तरह कर रहे हैं बदनाम। मैं 9:30 बजे वाली फ्लाइट उतरी है, मैं उतों चढ़ी सी मतलब लुधियाना तो और अरोना शहर है उतों मैं एयरपोर्ट तो चढ़ी हैं, उत्थे मैं खुद अपना समान पैकिंग करवा के अटैची के बंद करके एन उत्ते लिमिलेशन करके उत्ते रस्सी बन के तोरिया है। जब मैं उतों मेरी कनैक्ट टिकट सी, जब मैं अमृतसर आ के अपना समान लिया, मेरा अटैची खुला होया सी, उहदे विच्चों इन्हां ने टैबलेट कढ के चादर खोल के सारी बाबा गुरु महाराज की चादर लियांदी, उहदे विच टैबलेट सी कढ के सारा अटैची तुसी वेख सकते हो कि किदा इन्होंने खोलिया, ताला तोड़िया, उसका सारा डंडा तोड़िया है, सब कुछ चोर, ये चोर एयरपोर्ट है अमृतसर का। मैं कहनी है अगे मैं खबर सुनती पर मैं अपने अखा ना वेख लिया कि ये चोर लोग ने इतने रेंदे। CIA स्टाफ पटियाला ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के TV व अन्य सामान बरामद, गिरोह अब तक 25 चोरी की वारदातों को दे चुका है अंजाम। पटियाला के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि काफ़ी समय तो शहर पटियाला के वारदातों चोरी दी वारदातों रात के समय से हो रही थी, ATM की जिम्मे तोड़ने अटैम्प्ट भी हो रही थी, तो इन्हों के एक इन्फॉर्मेशन आने के उपर 7 तरीक न 7 फरवरी 4 मैंबर जिहड़े इस चोरी करने दे वारदातां करदे सी उस गिरोह दे 4 मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया, जो हुण तक की तफ्तीश दे विच इन्हां ने करीब 25 दे करीब वारदातां नूं अंजाम देना मन्निया, जो रात दे समय जाके इलैक्ट्रॉनिक शॉप्स दे उपर, जुत्तियां दे शोरूम दे उपर जां ATM दीआं वारदातां, इस तरह दीआं जिहड़े असीं शोरूम तोड़ के चोरी करनी वारदातां
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।